असदुद्दीन वैसी का जो बयान है वो कह रहे हैं कि मैंने कहा था पहले ही जब अयोध्या का फैसला आया था कि संघ की शरारतें बढ़ेगी, कुछ लोग अराजक तत्व जिस तरह के पिटीशन डालेंगे, जैसे 18 लोगों ने इसका डाला था पिटीशन, तो कोर्ट ने कहा है कि फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी करने की अनुमति दी है। देखिए ये देखिए देश के अंदर देखिए जब लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार भी तुम्हारा है। देखिए जाहिर है कि आज सरकार भी तुम्हारी है, कानून भी तुम्हारा है, दरबार भी तुम्हारा है, तो तुम जो फैसला तुम चाहो तो तुम्हारे हक में आ जाएगा। तो आज अगर ये सर्वे की रिपोर्ट अगर एक पक्ष के फेवर में आई है तो इसमें कोई अचंभे की बात नहीं है। मुझे लगता है कि शायद इसकी तो हमें आदि हो जाना चाहिए, क्योंकि आज देश की मीडिया से लेकर के कानून तक पे जो आज जिस पर हावी है, किस तरीके से सत्ता के किस तरीके से गुलाम बन चुकी है, लोकतंत्र के सभी जो पिलर हैं वो आज वो खत्म हो चुके हैं, वो अंतिम सांसें गिन रहे हैं, और कोशिश है कि उसको बचाने की लगातार कांग्रेस मुखर होकर के लगातार बोलती रही है, चाहे वो चुनाव आयोग हो। आज किस तरीके से हमने देखा कि 3-4 राज्यों के अंदर किस तरीके से ईवीएम का इस्तेमाल किया गया, किस तरीके से सरकार ने किस तरीके ईडी सीबीआई का प्रयोग किया। तो आज ये साफ है कि ईडी किस तरीके से एक्सपोज होती नजर है, चुनाव आयोग किस तरीके से एक्सपोज होता नजर है। तो आप अदालतों की बात करते हैं तो अदालतों के अंदर तो फैसले तो एक तरफा आने लगे हैं, तो फिर आप किस अदालत की बात करते हैं? राम मंदिर के नाम पर आप देखिए कि पूरे भारत के अंदर जिस तरीके से मोदी जी ने सिर्फ और सिर्फ राम मंदिर के नाम पर कुछ बजरंग दल, कुछ इस तरीके के एबीपी के लोग और भी तमाम जो ये दल बनाए गए हैं, हिंदू परिषद है और भी कई सेना बनाई है, कि तमाम जो लोग हैं जो खास करके जो ये कह रहे हैं, बार बार ये नारे लगाए जा रहे हैं, अगर आप घर से बाहर निकलेंगे तो आपको ये मालूम चलेगा कि एक डीजे वाले बाबू जो हैं वो गाना चला रहे हैं कहीं ना कहीं, और वो कह रहे हैं कि अयोध्या तो झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। ये बहुत वक्त से ये इस तरीके के डीजे पे सॉन्ग, गालियाँ, और मुसलमानों को जिस तरीके के आतंकवादी, उग्रवादी कहना संसद के अंदर, तो ये देखिए ये तो कूटनीति भाजपा की है, ये हम सब जानते हैं। 2014 से लगातार, क्योंकि मुद्दा क्या है देश के अंदर? विकास तो मुद्दा ही नहीं है, मॉडल ही नहीं है, मुद्दा क्या है? राम मंदिर, जाहिर सी बात है, नफरत परोसना, कम्युनल वोटर को खुश करना। तो देखिए मुद्दे देश के अंदर यही हैं, और ये तमाम जो लोग हैं जो ये कहा जाता था कि देखिए 949 का जो वर्शिप एक्ट है, जो कि जो यथास्थिति है वही बनी रहेगी, लेकिन आज देखिए कि आज क्या है। आज पहले देखिए, आज वो हिंदू उसको किस तरीके से कट्टर हिंदू बनाने की कोशिश की जा रही है, किस तरीके की मानसिकता के तहत ये सब कुछ जो है ये किया जा रहा है। देखिए आप समझने वाली बात है, देखिए जिसने सही मायने में हिंदू धर्म को समझा है, जिसने सही मायने में अगर हिंदू होने का जो अपने आप को जो लोग हिंदू कहते हैं, जो वो अगर वो सही मायने में हिंदू हैं, देखिए वो ना तो इस कट्टरवाद को पसंद करते हैं और ना ही प्रमोट करते हैं। देखिए बहुत ही मैंने सुना है, और मैं अपने बचपन में अक्सर सुना करती थी कि लोग बड़े ही शालीनता से लोग नमस्कार भी करते थे और राम राम जी भी करते थे, और जब मंदिर जाते थे दर्शन करने के लिए तो वो हाथ जोड़ करके जय श्री राम करके हाथ जोड़ते थे, या पुष्प अर्पित करते थे, या भगवान की जो भी प्रार्थना करते थे। लेकिन आज जय श्री राम के कहने का अंदाज किस तरीके से बदल गया है, या जय श्री राम हम इस तरीके से कह रहे हैं, जबरन किसी को किसी का कॉलर पकड़कर, जबरन किसी को किसी की लिंचिंग करके, मारकर, जय श्री राम करके हम इस तरीके से हम जो रोष दिखा रहे हैं। तो देखिए ये कहीं ना कहीं ये दिखा रहा है कि हम किस तरफ जा रहे हैं, किस मानसिकता के तहत हम अपनी जो हमारी मान जो अब आज जो हमारी जो हालत है, जो आज हिंदू धर्म को हम किस तरफ लेके जा रहे हैं। देखिए आज आप उसको भी बदनाम कर रहे हैं, हिंदुओं को बदनाम कर रहे हैं, और आज जो हम महाभारत की बात करते हैं, महाभारत में क्या बताया गया है, और अगर हम बात करें कि रामायण के अंदर क्या बताया गया, तो ने पूरी तरीके से धर्म के मायने बदल दिए हैं। जिस तरह के सदन में मैम की कल की जो घटना हुई उसको किस तरह से देख रही हैं? लगातार लोग सवाल कर रहे हैं कि अगर इसके जगह कोई मुसलमान कोई सांसद होता, अगर वो ऐसे ही होते, इमरान प्रताप गढ़ी दिए होते, अगर पास, फिर क्या मामला हुआ रहता है?
देखिए जो संसद के अंदर जो कल की जो घटना है वो बेहद निंदनीय है, और हम उसकी जितनी भर्त्सना करें जितनी निंदा करें वो बहुत कम होगा, क्योंकि देखिए 13 दिसंबर 2001 हमें बहुत अच्छे से याद है, और आज फिर से 13 दिसंबर की वो हमें वो दृश्य वो तमाम चीज जिस तरीके से संसद के अंदर वो हमला हुआ, लेकिन ये हमलावर कोई पड़ोसी मुल्क से नहीं आए थे, ये हमलावर हमारे ही देश के लोग थे, हमारे ही देश के दो युवक जो कि पार्लियामेंट के अंदर घुसते हैं, नई संसद के अंदर घुसते हैं, जिसके बारे में देश की मोदी जी की कल्पना का वो संसद जिसके अंदर ये कहा जाता था कि कोई परिंदा पर नहीं मार सकता, और तमाम सिक्योरिटी सिस्टम की जो दुहाई दी जाती थी कि 3 लेयर सिक्योरिटी सिस्टम है, उसके अंदर चार चार एजेंसियों की बात हो रही थी कि चार चार एजेंसियाँ इसको प्रोटेक्ट करती हैं, जिसके अंदर कहा जाता था पार्लियामेंट सिक्योरिटी सर्विस है, पार्लियामेंट ड्यूटी ग्रुप है, CRPF है, दिल्ली पुलिस है, इस तरीके की जो ये सिक्योरिटी 200 से ज़्यादा सुरक्षाकर्मी बताए जा रहे थे, ये कहा जा रहा था कि थर्मल स्क्रीनिंग सिस्टम है जिसके अंदर आप जाएंगे तो आपका बाकायदा पूरा आपकी बॉडी स्कैन हो जाएगी, आप ये बताया जा रहा था कि 360 डिग्री जो कैमरा मूविंग कैमरा है वो लगवाए गए हैं, एडवांस जो CCTV कैमराज हैं, और तमाम जो मल्टी लेयर सिस्टम बताए जा रहे थे, तो इस तरीके की इतनी कड़ी सुरक्षा जिसमें मोदी जी कहते हैं कि कोई 2001 की जो अटल बिहारी वाजपेयी की जो सरकार थी 2001 के अंदर जिस तरीके से उनकी सरकार के अंदर जो हमला हुआ, तो देखिए फिर से आज किसके शासनकाल के अंदर ये संसद के अंदर दोबारा से ये दोहराया गया, तो ये कई सवाल खड़े करता है, ये भी सवाल खड़े करता है कि क्या जो भाजपा का जो सांसद है प्रताप सिम्हा के पास पर ये जो दोनों तीनों जो आरोपी हैं वो संसद के अंदर घुसते हैं बाकायदा, क्योंकि देखिए संसद के अंदर अगर मैं सवाल उठाती हूँ, क्योंकि देखिए लोकतंत्र के अंदर सवाल आप किससे करेंगे, जाहिर है जिसके हाथों में देश की सुरक्षा है, देश के मोदी जी प्रधानमंत्री जी से आप सवाल करेंगे, गृह मंत्री से सवाल करेंगे, देश की सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक संसद के अंदर इतनी बड़ी चूक, तो जाहिर है सवाल तो उठेंगे और जवाब आपको देने होंगे, आप जवाब से भाग नहीं सकते, क्योंकि देखिए सरहदें आपसे सुरक्षित नहीं हो रही हैं, संसद आपसे सुरक्षित नहीं हो रहा है, देश की बेटियां आपसे सुरक्षित नहीं हो रही हैं, देखिए आज जिस तरीके से दो युवक घुसते हैं प्रताप सिम्हा पास देते हैं, आपने देखा बाकायदा पास का पूरा, मुसलमान होते मैं फिर क्या होता, देखिए मुसलमान होते तो अभी तक उनकी फांसी की मांग की जाती, देश का जो गोदी मीडिया है वो चिल्ला चिल्ला करके गले फाड़ फाड़ करके और अपनी छातियां पीट पीट करके उन पर UAP की मांग करता, उनको फांसी की मांग करता, आतंकवादी तो अभी तक घोषित कर चुका होता, कहा जाता कि तो देशद्रोही आतंकवादी हैं, इनको तो चौराहे पर फांसी दे देनी चाहिए, क्योंकि अगर मान लीजिए कोई मुस्लिम सांसद होता, या फर्ज कर लीजिए कि ये जो 6 लोग बताए जा रहे हैं जिसके अंदर से एक लड़की जो नीलम आजाद बताई जा रही है, वो तो नेट क्वालिफाइड बताई जा रही है कि MPhil किया हुआ है, BEd किया हुआ है, तो ये लड़की हरियाणा की है और लगातार वो जिस तरीके के नारे लगा रही है, बेरोजगारी महंगाई मणिपुर की बात कर रही है, एक लड़का मनोरंजन जो कि मैसूर जो जहाँ के प्रताप सिम्हा है उनके जो इस लड़के के मनोरंजन के पिता जो है वो प्रताप सिम्हा के करीबी हैं, बहुत ज़्यादा भाजपा से हैं, तो जाहिर है कि ये कनेक्शन कहाँ और कैसे है, लेकिन अगर ये और जो दो लोग हैं अमोल शिंदे है, एक और लड़का है सागर शर्मा है जिसके नाम पर पास दिया गया, देखिए ये अगर आपने जो पूछा कि ये अगर भाजपा सांसद ने ये अगर पास अलॉट किया होता और एंट्री कराई होती तो फिर क्या होता, फिर तो देखिए फिर तो, या कांग्रेस सांसद आप कह लीजिए, कोई विपक्ष का कह लीजिए, तो देखिए जाहिर है फिर तो जैश ए मोहम्मद और ये सिमी PFI और ISIS से कनेक्शन आजकल तो ट्रेंडिंग हमास चल रहा है, तो आप हमास से इसके कनेक्शन इसके तार आसानी से जोड़ सकते थे कि इस सब के लिए जो जिम्मेदार है वो ये तमाम संगठनों से जुड़ जाते, और अभी तक तो आपकी अदालत आपकी गोदी मीडिया ही लगा चुका होता और आपको सजा भी सुना चुका होता, लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि जो प्रताप सिम्हा वो भाजपा के सांसद हैं, और आज देखिए कि 24 घंटे से ज़्यादा चुके हैं, मैं लगातार सोशल मीडिया खंगाल रही थी और मैं देख रही थी कि शायद ये 4 एजेंसियां किस तरीके से काम कर रही हैं, किस तरीके की पूछताछ चल रही है, क्योंकि भाजपा लगातार ये कह रही है कि जांच चल रही है,
किस तरीके की जांच है ये कि आज 24 घंटे गुजर गए लेकिन दिल्ली पुलिस की तरफ से कोई ट्वीट नहीं आता, प्रधानमंत्री जी कोई खेद व्यक्त नहीं करते, गृह मंत्री जी किसी भी तरीके की कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं, बल्कि 14 सांसदों को सवाल पूछने पर ये कहने पर कि गृह मंत्री जी जिम्मेदारी लें, सदन के अंदर आए, विपक्ष को बताएं कि इतनी बड़ी नाकामी, इतनी बड़ी चूक संसद के अंदर कैसे हुई, इस पर जवाब दें, तो 14 सांसदों का निलंबन हो जाता है। और कमाल देखिए कि एक सांसद तो बेचारे कांग्रेस के, वो तो संसद के अंदर ही नहीं थे और का निलंबन हो जाता है, पूरे सत्र से निलंबन कर दिया जाता है। तो क्या हम अलोकतांत्रिक मांग कर रहे हैं? क्या ये लोकतंत्र के अंदर सवाल पूछना, गृह मंत्री से सवाल पूछना, जवाब मांगना क्या गुनाह है? देखिए, मैंने पहले भी कहा और अब भी कह रही हूं कि देश सुरक्षित हाथों में नहीं है, इनसे न सरहदें संभलती है। क्या कहा था कि चीन जब हम कह रहे थे कि लगातार परमानेंट सेटलमेंट्स बना रहा है, तो क्या कहा था, गलवान वैली के अंदर ना कोई घुसा था ना कोई घुसा है। संसद की सुरक्षा 2001 में अटल बिहारी वाजपेयी, पुलवामा किसके वक्त में होता है, भाजपा शासनकाल के अंदर होता है। कारगिल किसके वक्त में होता है, भाजपा शासनकाल के अंदर होता है। आज देखिए अक्षरधाम किसके वक्त में होता है, जाहिर है भाजपा के शासनकाल के अंदर होता है। तो ये तमाम जो ये जो अटैक्स हो रहे हैं, और फिर 2023 का जो दोबारा संसद का जो हमला है, ये किसके शासनकाल के अंदर हुआ है? तो ये कहना चाहती हूँ कि ये उन तमाम जो शहीदों को लेकर के भी ये बहुत बड़ा भद्दा मजाक हुआ है, जिस तरीके से उन तमाम जो शहीदों ने शहादत दी देश के लिए, जो अपनी जान न्यौछावर की, उनके साथ क्या ये मजाक नहीं है कि आज एक भाजपा का सांसद जो कि प्रताप सिम्हा जो कि पास इशू करता है और एंट्री दिलाता है, क्योंकि पार्लियामेंट के अंदर ये समझना जरूरी है कि संसद के अंदर घुसना आसान बात नहीं है। ये बात सही है कि अगर आप या मैं या कोई भी व्यक्ति अगर संसद के अंदर जाता है, तो देखिए आपकी बाकायदा पूरी स्कैनिंग होती है, आप एक नोट तक ले जा नहीं सकते अंदर। अगर आप चाहें कि कोई पेन या कोई ऐसी चीज आप ले जाएं, तो आप नहीं ले जा सकते हैं। तो फिर ये जो दो जो आरोपी हैं, ये कैसे संसद के अंदर माचिस और बाकायदा वो स्मोक गैस का वो सारा जो सामान है वो लेकर के संसद के अंदर घुस जाते हैं? यानी कि कोई तो है जिसके पीछे है, साजिश के पीछे है। मैंने कहा कि सरहदें सुरक्षित नहीं है, देश की संसद सुरक्षित नहीं है, और देश की बेटी है राम दुलार। कौन है राम दुलार गोन, जिसको एक नाबालिग बेटी के बलात्कार के आरोप में दोषी करार दिया गया है? भाजपा का विधायक है। तो इस भाजपा के विधायक को कुछ वक्त बाद सुनिएगा कि इसको देश इसको जेल से रिहाई मिल गई, माफी मिल गई, और फिर भाजपा के टिकट पर ये शायद हो सकता है सांसद या चीफ मिनिस्टर भी बन जाए। तो देखिए ये भाजपा का चरित्र है, सवाल पूछे जाएंगे, लगातार सवाल पूछते रहेंगे। आप जितना मर्जी निलंबन करिए, जितना मर्जी आप जेल भेजिए, हम तैयार हैं। महुआ मोइत्रा, और मुझे पंजाब भी याद आता है कि महुआ मोइत्रा ने एक लॉगिन आईडी अपना शेयर किया, तो किस तरीके से उनका निलंबन होता है, या तो बाकायदा पूरा पास दिया गया। और मुझे पंजाब भी याद आता है जब देश के प्रधानमंत्री ने अपनी सुरक्षा चूक को लेकर के कितना राय का पहाड़ बनाया, तो आज क्या होता है कि आज प्रधानमंत्री जी मौन है, गृह मंत्री जी मौन है, फरार हैं, नजर नहीं आते, ना रक्षा मंत्री का कोई जवाब आता है, ना गृह मंत्री का कोई जवाब आता है। आखिर क्यों भाग रहे हैं? जवाब दें, संसद के अंदर आए और जवाब दें।